आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपका स्वागत है और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम इसराइल और हमास के बीच में जो एक बड़ा संग्राम आज छिड़ा हुआ है उसके ऊपर बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इसराइल और हमास के बीच में आज जो कुछ भी चल रहा है और उसके द्वारा दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट जो उस पूरे संग्राम के अंदर हो रहा है, क्या वो बाइबल की भविष्यवाणियों के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर हमारा ध्यान लेकर के जा रहा है। इन सब बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और बाइबल के अंदर यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 38वें अध्याय के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में बहुत से देशों की सेनाएं जो हैं वो इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगी और साफ तौर से बताया हुआ है कि किस किस दिशा से इसराइल के ऊपर वो सेनाएं हमला करने के लिए आएंगी। और यहेजकेल की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है कि इसराइल की उत्तर दिशा से सेनाएं इसराइल के ऊपर हमला करने आएंगी और इसराइल का जो भूमध्य सागर का किनारा है उस दिशा से इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए वो सेनाएं आएंगी। और आज हमास के साथ इसराइल का ये बड़ा संग्राम जो चल रहा है, एक युद्ध जो छिड़ा हुआ है और हमास की तरफ से रॉकेट्स इसराइल पर मारे जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से भी हमले जो हैं, हवाई हमले जो हैं वो हमास के ऊपर किए जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस के ऊपर किए जा रहे हैं, वो गाज़ा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। और गाज़ा का ये इलाका जो है, गाज़ा स्ट्रिप जो है वो भूमध्य सागर का किनारा ही पर ही स्थित है। भूमध्य सागर का जो किनारा है वहीं पर ही गाज़ा स्ट्रिप जो है वो पाई जाती है। तो यानी लोकेशन जो बताई गई है यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में उस बड़े युद्ध की, वो लोकेशन हमको आज सटीक रूप से इस घटनाक्रम के अंदर फिट होती हुई दिखाई दे जाती है। और दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय 5वें और 6वें वचन के अंदर बहुत सारे देशों के नाम बताए हुए हैं जिनकी सेनाएं मिल करके इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगी। और यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन के अंदर उन देशों के नाम इस प्रकार से बताए गए हैं, और उनके संग फारस, कूश और पूत को जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। यहां पर कुछ देशों के नाम बताए हुए हैं जिनकी सेनाएं मिल करके इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगी। और यहां पर जो नाम बताए हुए हैं, फारस जो नाम बताया हुआ है उसको आज के हमारे आधुनिक समय में ईरान देश के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नाम जो बताया गया है कूश, उसके लिए बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं या बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर कूश जो है वो आज इथोपिया देश के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाइबल के कई सारे स्कॉलर्स भी इस बात को बताते हैं कि कूश जो देश हुआ करता था या कूशी जाति के जो लोग हुआ करते थे वो दो भागों के अंदर बटे हुए थे, और इथोपिया के अंदर तो कूशी जाति के लोग रहा ही करते थे लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक के क्षेत्र में कूशी जाति के लोग जो है वो रहा करते थे। और इसीलिए कई सारे स्कॉलर्स इस बात की अटकल भी लगाते हैं कि हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं उनको इसी कारण कूश के नाम पे रखा गया है क्योंकि कूशी जाति के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके तक भी रहा करते थे। तो यहाँ पर जो कूश नाम जो आया है वो इथोपिया के ऊपर फिट होता हुआ ना दिखाई दे करके हमको आज के घटनाक्रम में पाकिस्तान के ऊपर फिट होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि इथोपिया जो है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि वो इसराइल के ऊपर हमला कर सके, लेकिन आज पाकिस्तान की सेनाएं जो हैं वो तैयार हैं इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ मिल करके इसराइल के खिलाफ गाज़ा में सेनाएं भेजने की तैयारियां भी कर ली हैं। दूसरी ओर आगे इन्हीं वचनों के अंदर एक और नाम बताया गया है, वहां पर लिखा हुआ है पूत जो होगा उसकी सेनाएं भी इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आएंगी।
और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि पूत जो है वो आधुनिक समय में लीबिया का नाम माना जाता है, और लीबिया जो है वो भी इसराइल का एक परंपरागत शत्रु रहा है। और अगर लीबिया की सेनाएं भी पाकिस्तान और तुर्की की सेनाओं के साथ मिल करके इसराइल पर हमला करने आती हैं तो हमको इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी ओर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, गोमेर के बारे में बताया हुआ है और तोगर्मा के घराने के बारे में बताया हुआ है। और बाइबल के जितने भी एटलस हैं, चाहे मॉडर्न एटलस हों, चाहे हिस्टोरिकल या बहुत ही पुराने एंशिएंट एटलस भी क्यों ना हो, वो इस बात को बताते हैं कि ये गोमेर और तोगर्मा का घराना जिस क्षेत्र के अंदर रहा करता था वो तुर्की देश के नाम से आज जाना जाता है। और हम इस बात को आज के अखबारों के अंदर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं कि तुर्की ही उन सारे देशों में सबसे ज़्यादा आगे है जो इसराइल के ऊपर सैनिक कार्रवाई करने की बात कर रहा है, और तुर्की और पाकिस्तान की सेनाएं मिल करके इसराइल के ऊपर हमला करने की योजनाएं भी बना रही हैं। तो जितने भी देशों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है जो एक अलायंस बना करके इसराइल के ऊपर अंत के दिनों में हमला करने आएंगे, एक बड़ा युद्ध होगा, उसमें ईरान का नाम बताया हुआ है। और ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है, और परमाणु हथियार सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस परमाणु हथियार के द्वारा वो इसराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे के ऊपर से मिटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ईरान का नाम आया है, फिर कूश का नाम आया है जिसके लिए हम मान रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में ही बताया गया हो, और लीबिया का नाम आया है, और यहाँ पर तुर्की का नाम जो है वो यहेजकेल ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर प्रदान किया है। तो सिनेरियो जो है वो वैसा ही बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया का नाम हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हमको किसी और दूसरे देश जो जिनके इसराइल के साथ अच्छे संबंध है उनका नाम यहाँ पर हमको यहेजकेल ने प्रदान नहीं किया है। लेकिन आज विश्व राजनीति के मंच के ऊपर जो हो रहा है वो हमको यहीं पर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के अंदर दो ऐसे चिन्ह दिए हैं इसी 38वें अध्याय के अंदर, और उन दो चिन्हों के बारे में बताया हुआ है कि जो इस बात को बताते हैं कि अंत के दिनों में ये भयानक युद्ध जो लड़ा जाएगा वो आखिर कब लड़ा जाएगा। और यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय के 8वें वचन के अंदर वो पहला चिन्ह बताया गया है, वहां पर यहेजकेल ने इस बात को लिखा है कि ये युद्ध जो होगा वो अंत के वर्षों के अंदर लड़ा जाएगा, और अंत के वर्षों में भी कब लड़ा जाएगा, जब यहूदी लोग पूरी दुनिया के देशों से वापस अपने देश में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। और यहूदी लोग वास्तव में ही दुनिया के 100 देशों में बीते 1900 सालों से तितर बितर हो रखे थे, लेकिन अब वो वापस से 1948 में अपने देश के अंदर आकर के रहने लग गए हैं, और उनका जो निष्कासन था 1900 सालों का वो पूरा हो चुका है। यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों से वापस इसराइल के अंदर लौट चुके हैं, और ये लौटना जो उनका है, ये आलिया जो है वो आज भी जारी है। और दूसरा जो चिन्ह बताया गया है, दूसरे चिन्ह के बारे में यहेजकेल की पुस्तक उसके 38वें अध्याय के 12वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, और इस बात को बताया हुआ है कि ये सारी सेनाएं उस समय इसराइल के ऊपर हमला करने आएंगी जब इसराइली लोग यहूदी लोग देशों में से वापस पवित्र भूमि के अंदर इकट्ठा हुए होंगे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए होंगे और पशु और अन्य संपत्ति रखते हुए होंगे। यानी यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय के 12वें वचन में इस बात का संकेत दिया गया है कि ये सारी सेनाएं इसराइल के ऊपर उस समय हमला करने आएंगी जब यहूदी लोग वापस से पवित्र भूमि के अंदर जमा हुए होंगे अलग अलग देशों से, और जिस समय यहूदी लोग जमा होंगे उस समय वो उनके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, बहुत सारे पशु होंगे, और इसीलिए लालच के कारण भी ये देश जो हैं वो इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। लालच के कारण भी आ सकते हैं और जलन के कारण भी इसराइल के ऊपर हमला करने आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये दो चिन्ह जो दिए गए हैं उसमें साफ तौर से बताया हुआ है कि ये युद्ध जो है ये आखिर कब लड़ा जाएगा, और कब लड़ा जाएगा, जब यहूदी लोग पूरे संसार के देशों में से वापस से पवित्र भूमि के अंदर जमा होंगे और जब इसराइलियों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हो जाएगी।
और वास्तव में आज इज़राइल देश जो है उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति पाई जाती है। इज़राइल के अंदर जो मृतक सागर है, वो मृतक सागर इज़राइली सरकार को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रति वर्ष जो है वो कमा करके देता है, क्योंकि मृतक सागर डेड सी जो है उसमें 21 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी समुद्र तक में नहीं पाए जाते हैं। और डेड सी का जो कीचड़ है वो भी इज़राइल बेचता है, मिट्टी भी बेचता है, इज़राइल का नमक भी, जो डेड सी का नमक है वो भी इज़राइल बेचता है, और उससे कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है। साथ ही साथ डेड सी के किनारे पर यदि आप चलते चले जाएं तो डेड सी के किनारे पर इतनी सारी कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्रीज लगी हुई आपको दिखाई दे जाएंगी, और यही कॉस्मेटिक्स से इज़राइल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा प्रतिवर्ष कमाता है। साथ ही साथ इज़राइल की जो ज़मीन है उसके लिए ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन जो है वो इज़राइल की है, और इज़राइल इसी कारण दुनिया में फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का और फ्लावर्स का सबसे बड़ा लीडिंग एक्सपोर्टर है। साथ ही साथ इज़राइल की जो गाय है वो भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है, और इज़राइल जो है वो दुनिया में दूध का भी लीडिंग प्रोड्यूसर आज बन चुका है। इज़राइल के अंदर तेल और गैस के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो भी आज मिल चुके हैं, समुद्र के अंदर मिले हैं, ज़मीन के अंदर मिले हैं। इस प्रकार से इज़राइली लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा धन संपदा जो है वो उनके पास हो गई है। साथ ही साथ तेल अवीव के अंदर दुनिया की सारी जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज पाई जाती हैं उनके ऑफिसेज इज़राइल के अंदर पाए जाते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इज़राइली उनको विकसित कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा इज़राइल के अंदर आज हो रहा है जैसा कि यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा बताया गया है। तो ये बड़े युद्ध के जो दो चिन्ह दिए गए हैं कि ये युद्ध कब होगा, वो दो चिन्ह तो बिल्कुल परफेक्टली आज हमारे समय में हमको भविष्यवाणी में फिट होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो अलायंस बन रहा है ईरान का, तुर्की का और पाकिस्तान का, वो अलायंस भी हमको यहाँ पर फिट होता हुआ दिखाई देता है। तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि ये जो आज एक बड़ा संग्राम हमास के साथ इज़राइल का चल रहा है, हो सकता है कि ये संग्राम हमको यहेजकेल 38 के अंदर जो युद्ध के बारे में बताया हुआ है उसी युद्ध की ओर लेकर के जा रहा हो। लेकिन सत्य जो है वो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। हम सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणी के फैक्ट्स को जमा करके उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन असली बात जो है वो भविष्य में ही हमारे सामने निकल करके आएगी।